हाय व्यूअर्स, मैं मंजर अकाउंटेंसी जोन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम और खैर मकदम करता हूँ। आज से हम आपके लिए टैली में जीएसटी का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आप टैली में जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस को सीख सकें। सबसे पहले हम आपको पहली वीडियो में बताएंगे कि जीएसटी की सेटिंग टैली में कैसे करते हैं और एंट्री को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको जीएसटी को समझना होगा। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो 29 मार्च सन 2017 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था और 1 जुलाई सन 2017 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। तो दोस्तों जीएसटी पर काम करने के लिए सबसे पहले हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो कॉमन पोर्टल पर आप जीएसटी के ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगी तो आपको उसमें 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर होता है। जब आपको मिल जाएगा वो, तो आप दोस्तों टैली में जीएसटी का काम कर सकते हैं। दोस्तों जीएसटी होता क्या है? जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे आपका वैट था, सीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, ये सब दोस्तों आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। गवर्नमेंट ने इन सब टैक्सेस को खत्म करके एक तरह का पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी की 3 कैटेगरी होती है, एक आईजीएसटी होती है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी होती है। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अपवाद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके समाधान के लिए इस तरीके का एक सिस्टम बना दिया गया है कि जो भी सप्लाई हम स्टेट के अंदर करेंगे उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होंगे, और जो गुड्स की मूवमेंट अदर स्टेट में होगी उस पर आईजीएसटी लगेगा। इस तरीके से जीएसटी के 3 कैटेगरी होती है। दोस्तों जीएसटी में हमारी सप्लाई 4 तरीके की होती है। एक होती है रजिस्टर्ड डीलर को स्टेट के अंदर, अनरजिस्टर्ड डीलर को स्टेट के अंदर। एक होता है रजिस्टर्ड डीलर जो स्टेट के बाहर होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड डीलर जो स्टेट के बाहर होते हैं। इस तरीके से हमारी जो सप्लाई होती है जीएसटी में, यानी सेल्स होती है, वो 4 तरीके की होती है। टैली में जीएसटी की सेटिंग कैसे करते हैं और इसकी एंट्री टैली में कैसे बनाते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी को बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद F11 को प्रेस करते हैं, देन आप स्टैचुरी एंड टैक्स सेशन पर आते हैं और इससे आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनेबल करते हैं, एक्टिव करते हैं, और साथ साथ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करते हैं। यानी ये आपकी कंपनी की प्रोफाइल पूछता है कि आप कंपनी कैसे ऑपरेट करते हैं, आपका जो जीएसटी नंबर है वो रेगुलर है या कंपोजिशन में है, ये सारी चीज़ें पूछता रहता है ना दोस्तों। इसमें आप कंपनी अपनी कंपनी के हिसाब से, अपनी फर्म के हिसाब से, या जिस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन होगा कंपोजिशन या रेगुलर में, उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ों को हम टाइप कर लेंगे। जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, जो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश है, और जो हमारी फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है, देन इस फर्म का जो जीएसटी नंबर हमने इनपुट कर लिया यहाँ पर। देखो जब हम जीएसटी नंबर दोस्तों गलत डालेंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर इनवैलिड आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ जीएसटी नंबर वैसे ही टाइप कर लिया है, कोई पर्टिकुलरली हमने किसी फर्म का टाइप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इनवैलिड लिख के आता है दोस्तों। देन यहाँ एप्लीकेबल फॉर्म का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कब लिया है, वो डेट यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मान लीजिए 25 मार्च सन 2019 को मेरी रजिस्ट्रेशन डेट है।
इसके बाद आपका रिटर्न फाइल कैसे वो करना है, आपको रिटर्न फाइल कैसे करना है, मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, इसमें देखो एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये पोर्टल पर होता है जीएसटी में, इसका टैली में इसका बहुत ज़्यादा कोई असर या इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेबल फॉर्म की डेट डालने के बाद सारे ऑप्शन को उतनी खास नज़र नहीं रखते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते आगे बढ़ेंगे। अगर आप पैन कार्ड दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, वैसे आपका जीएसटी नंबर में वो इंक्लूडिंग होता है, और या तो आप अलग से दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम जीएसटी की सेटिंग को हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब इसमें हमको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम जो हमारे जो रूप साड़ी सेंटर है, तो कंपनी से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा ये सिर्फ साड़ी का ही टर्नओवर कर दिया, यानी साड़ी को परचेस करती है और साड़ी को सेल करती है, साड़ी को बना के सेल करती है, ऐसा इसमें हमको दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका आपकी जो डीलिंग है वो सिर्फ एक गुड्स में हो रही है या एक कैटेगरी वाले में हो रही है, तो आप इसकी सेटिंग, आप जीएसटी की सेटिंग आप 203 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी जो डीलिंग है अगर एक गुड्स में हो रही है या एक टाइप के एक कैटेगरी के आपके गुड्स में हो रही है, तो उसको उसकी सेटिंग हम अलग तरीके से करते हैं। या अगर आप मल्टी, आपके पास आइटम है मल्टी चॉइस आप काम कर रहे हैं, यानी आप 5% 12% 18% अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप जीएसटी में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेंट्री के जो ग्रुप क्रिएट करते हैं या जो आप ग्रुप बनाते हैं इन्वेंट्री में आइटम्स का, उससे ग्रुप से आप सेटिंग कर लें। या दोस्तों अलग अलग आप आइटम पर अलग अलग सेटिंग करना चाहते हैं, तो आइटम जहाँ से आप क्रिएट करते हैं दोस्तों वहाँ से आप बना लें। लेकिन चूंकि मेरा दोस्तों जो गुड्स है जो हमारी डीलिंग है वो सिर्फ एक टाइप की प्रोडक्ट है मोरी, यानी साड़ी की, या तो हम साड़ी को मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं सेल करते हैं, या तो हम बाय करके इसको सेल करते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं इसकी सेटिंग जो करूंगा वो लेजर से करूंगा, यानी जब परचेज या सेल्स का लेजर क्रिएट करूंगा तो वहाँ से करूंगा, ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता है। इसीलिए इसी तरीके से अगर मैंने बताया आपको कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो आप इसे ग्रुप से भी सेटिंग कर सकते हैं और उसके आइटम से भी सेटिंग कर सकते हैं जहाँ आइटम क्रिएट करते हैं। आइए दोस्तों हम ग्रुप यानी लेजर से कैसे सेटिंग करते हैं जीएसटी की, ताकि आपके काम में ज़्यादा परफेक्शन हो, इसलिए मैंने तीनों हेड आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों हम जीएसटी सेटिंग को लेजर से कैसे सीखते हैं इस पहली वीडियो में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं। अगर आपकी सप्लाई या परचेजिंग स्टेट के अंदर है तो आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। कैसे क्रिएट करता है, तो मैंने जैसे सी जीएसटी यहाँ टाइप कर लिया। अब चूंकि जो साड़ी पे लगने वाले टैक्सेज हैं वो 5% है, तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो सी जीएसटी में 2.5% डालूंगा और एस जीएसटी में 2.5% डालूंगा, तो दोनों कंबाइन करके 5% हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ जो भी आपका परसेंटेज दिखा दीजिएगा, और चूंकि ये एक तरह का टैक्स हम दे रहे हैं परचेज करने पे या सेल करने पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, हमारा नहीं होता है ये गवर्नमेंट का होता है, इसलिए इसका क्या करते हैं जो अंडर होता है वो ड्यूटी टैक्सेस में होता है, और देन क्या टाइप आप ड्यूटी टैक्सेस में हम जीएसटी को चूज करेंगे। अब चूंकि सी जीएसटी यहाँ, तो इसलिए सेंट्रल टैक्स लेंगे, सी का मतलब सेंट्रल दोस्तों होता है, यहाँ 2.5% डाल दें। अगर यहाँ हम 2.5% नहीं डालेंगे तभी हमारा जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, अगर 2.5% डालते हैं तो अलग से एक परसेंटेज शो करेगा आपका, और यहाँ पर दोस्तों राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे आप। इसी तरीके से आप दोस्तों सी जीएसटी का हेड बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, और इसका भी ग्रुपिंग जो रहेगी सेम रहेगी, अंडर सेम रहेगा, और टैक्स टाइप में से क्या लेंगे आप, स्टेट टैक्स लेंगे, चूंकि एस का मतलब होता है स्टेट, यहाँ पर भी 2.5% है। अब चूंकि जो मैं गुड्स को बाय कर रहा हूँ वो स्टेट के अंदर से कर रहा हूँ, तो इसकी कई तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हैं परचेज की, यानी हम जो गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो स्टेट के अंदर से कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे तो इसका लेजर इंट्रा स्टेट परचेज लिख सकते हैं,
आप चाहेंगे तो लोकल परचेज भी लिख सकते हैं, या आप चाहेंगे सिर्फ तो परचेज भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि लोकल लगा दीजिएगा, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी तरीके का कि हमारी जो परचेज है वो कहाँ से है। इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया लोकल परचेज। आप चाहेंगे तो इंट्रा स्टेट परचेज भी लिख सकते हैं, थोड़ा वो टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ आपको आसान लेजर बना के सिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक गलती का चांसेस जैसे में किसी टाइप का भी ना हो। हमने लोकल परचेज 5% अकाउंट टाइप कर लिया यहाँ पे, और जिसका जिसका जो तो जो ग्रुप रहेगा वो अंडर रहेगा जो परचेज के अकाउंट में रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ आगे बढ़ के आएंगे, इस जीएसटी एप्लीकेबल क्या इस जो हम आइटम परचेज करने जा रहे हैं, जो आइटम हम बाय करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है? अगर यस हाँ है, चूंकि हमने यहाँ लोकल परचेज 5% अकाउंट लिखा है, इसका मतलब इस ऑप्शन जो हम आइटम को बाय करने जा रहे हैं उस पर जीएसटी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एप्लीकेबल ले लेंगे। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आप जीएसटी की सेटिंग को तीन तरीके से कर सकते हैं। आप जो लेजर बनाते हैं परचेज या सेल्स का उससे भी कर सकते हैं, या जो आइटम का आप ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप से भी कर सकते हैं, या आइटम से भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा अगर मेरा प्रोडक्ट एक टाइप का है तो मैं क्या करता हूँ कि उसके लेजर से ही सेटिंग कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों आप आगे वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे इसके बारे में। और अब सेट अल्ट्रा जीएसटी को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, जो वह एक टाइप, ये ध्यान देना दोस्तों, जो एक टाइप के डीलर होंगे जो अपने गुड्स जो अपना गुड्स अब बाय और सेल करते हैं वो एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक कैटेगरी के प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ मिलेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो गुड्स हमारा है उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। दोस्तों इसमें हम क्या ले लेंगे, परचेज टैक्सेबल है, चूंकि जब गुड्स को स्टेट कंट्री से बाय करते हैं परचेज करते हैं उसका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है परचेज टैक्सेबल होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं F12 को यहीं पर प्रेस करते हैं। अब चूंकि मुझे HSN नंबर चाहिए, अलाउ HSN नंबर यस कर लेंगे। देन हमको क्या करने का, सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस कर लेंगे। देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों क्या टाइप कर रहा हूँ, 5.5 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो 5.5 का है, और जो हमारा HSN कोड है वो 5407 है 5.5 का, ये परचेज टैक्सेबल हो गया। इस पर जो हमारा इंटेग्रेटेड है या जुड़ा मिला हुआ जो टैक्स है 5% है, और बाकी 2.5% आपका स्टेट के अंदर होता है। इस पर कोई सेज नहीं दोस्तों, इसको यस कर लेंगे। देन क्या करेंगे, सप्लाई टाइप से आप क्या लेंगे, गुड्स को ले लेंगे, चूंकि हमारा गुड्स है, कोई सर्विस तो है नहीं दोस्तों। अब जिस पार्टी से हम गुड्स को परचेज करेंगे उस पार्टी का भी हम लेजर बना लेते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया उस्मान एंड सन्स। अब इसका आपको पता है कि संडी क्रिएटर में होगा। अब ये पार्टी कहाँ की, उसका एड्रेस टाइप कर लेंगे आप, ये कंप्लीट दोस्तों एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेंगे दुकान के साथ साथ। अब हमारा इंडिया है, कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश है, जो जिस आप एरिया में काम करेंगे वहाँ का पिन कोड ले लेंगे। देन आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर लेना है, चूंकि ये पार्टी जिससे हम बाय कर रहे हैं गुड्स को बाय कर रहे हैं वो रेगुलर ही है। अब जिस पार्टी से हम गुड्स को बाय कर रहे हैं दोस्तों उसका भी जीएसटी नंबर हमारे पास होना चाहिए, तभी हमको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप गुड्स को जब बाय करते तो हमेशा रजिस्टर्ड डीलर से ही बाय करें। अब जो भी उसका जीएसटी नंबर रहेगा वो जीएसटी नंबर यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। देखो यह दोस्तों वार्निंग में दे रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, चूंकि मैंने जीएसटी नंबर को जेन्युइन नहीं डाला है इसलिए यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है। इसलिए जब आप काम करेंगे सावधानी आप ये आपका केयरफुल होना पड़ेगा कि जब हम जीएसटी नंबर किसी पार्टी का एंटर करते हैं तो वेरीफाई वार्निंग तो नहीं दे रहा है, अगर वार्निंग देगा तो उसकी जांच कर लेंगे और सही जीएसटी नंबर यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। इस तरीके दोस्तों हम एक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम आइए दोस्तों आइटम को बनाते हैं। आइटम को यहाँ से इन्वेंटरी इन्फो पे आते हैं, स्टॉक आइटम से आते हैं और आइटम को बना लेते हैं। जैसे मैंने साड़ी का एक नाम लिख दिया, साड़ी नंबर 510। अब अंडर इसका क्या है दोस्तों, साड़ी है। मैंने बताया था कि आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं, सेट अल्ट्रा जीएसटी डिटेल की, यानी ग्रुप से भी सेटिंग करते हैं, जो आई स्टॉक आइटम ग्रुप्स होते हैं वहाँ से भी दोस्तों हम सेटिंग कर सकते हैं। कब करेंगे, जब हमारे मल्टी चॉइस आइटम हो, यानी हम साड़ी का भी काम करें, धागे का भी काम करें, या और अदर टाइप का जो हमारे पास आइटम जो परचेज सेल करें, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आप काम करें,
तो ग्रुप से भी हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे साड़ी का काम करे साड़ी आप ग्रुप बना दिया, अगर साड़ी का साहब यार्न भी बाय और सेल कर रहे हैं तो यार्न के नाम से हम ग्रुप बनाएंगे, तो आप यहाँ सेटिंग करेंगे तब वहाँ नहीं करेंगे उसके लेजर से, यानी जो हमने परचेस के लेजर सेटिंग किया वहाँ से नहीं करेंगे। तो ये यहाँ दोस्तों इसलिए वहाँ हमने सेटिंग कर दिया है तो यहाँ पर हम सेटिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। देन क्या होता है दोस्तों, अल्टर सी करके हम क्या करेंगे, आप जो सिंपल होती है जो हमारे यूनिट्स उसको बना लेंगे, फॉर्मल नेम में यूनिट का पूरा नाम टाइप कर लेंगे, अब इसका जो भी यूनिट क्वांटिटी कोड होता है दोस्तों उसको ले लेंगे यहाँ पे, अब इसका कोई नंबर आप डेसिमल प्लेसेस नहीं बताई दोस्तों कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों आप बहुत सारे आइटम जिसको हम गुड्स को हम परचेस करेंगे सेल करेंगे आप इस तरीके से स्टॉक आइटम से क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोस्तों टैली में इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं अब उसको सीखते हैं। इसकी एंट्री बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, अकाउंटिंग बाउचर पे आना पड़ेगा। अकाउंटिंग बाउचर बनाने के बाद अब F9 को प्रेस करेंगे, जब F9 को हम प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ दो डेट देता है, यानी एक हमारे जो डेट होती है जिस डेट में हम गुड्स को परचेस करते हैं और एक वो डेट होती है जिस दिन में सप्लायर ने हमको बिल बना के ट्रांसपोर्ट के सारे हमको भेजा है वो डेट होती है यहाँ पर। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट जो हमारे बिल डेट होती है दोस्तों यहाँ पर वो डेट हम डेट में इंटर करेंगे और जिस दिन हम माल की डिलीवरी पाएंगे वो डेट हम जो हमारी जो करेंट डेट होती है वहाँ पर इंटर करेंगे। तो मान ली दोस्तों मैं जो गुड्स को बाय कर रहा हूँ वो 5 अप्रैल को बाय कर रहा हूँ, अब जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है उसका इनवाइस नंबर मैंने ले लिया, अब जो सप्लायर ने हमने जो सप्लायर ने जो हमको गुड्स सेल किया है उसने बिल जो बनाया है वो 2 अप्रैल को बनाया है, तो इस तरीके से हम ले लेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम से पार्टी का नाम ले लेंगे, अब जो भी इसकी डिटेल यहाँ आ जाएंगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद लोकल चूँकि हमारी परचेज पार्टी स्टेट के अंदर की है इसलिए लोकल परचेज को मैं चूज कर रहा हूँ। देन दोस्तों क्या करेंगे हम साड़ी या नेम ऑफ आइटम से यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक से हम साड़ी को ले लेते हैं, जो साड़ी हम गुड्स से बाय कर रहे हैं अब जितनी भी क्वान्टिटी आप बाय करें वो क्वान्टिटी ले लीजिएगा और जो रेट रहेगा वो रेट इनपुट कर लीजिएगा। देन आपको क्या करना है, इस तरीके से सारे आइटम को लेने के बाद दोस्तों आप आइएगा यहाँ स्पेस दबाइएगा और CGST और SGST को ले लीजिएगा, यहाँ पर इस दबाइएगा SGST के लेजर को ले लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि है ना जो गुड्स की वैल्यू थी 1,22,500 इस पर जो GST लगा 1.5% लग गया, इसलिए हमारी जो इनवाइस वैल्यू हो गई वो 1,28,000 समथिंग हो गई है दोस्तों। इस तरीके से हम GST में GST की एंट्री को टैली में हम बना सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों यह ई वे बिल चूँकि जब गुड्स को 50,000 से ज़्यादा का होता है तो ई वे बिल आपको बनाना मतलब हमको नहीं जो सप्लायर होगा वो ई वे बिल बना के हमको देगा, ऐसे तो रिसिपियंट अभी ई वे बिल बना सकता है लेकिन आमतौर पर सप्लायर ही बनाता है जो पार्टी होता है पार्टी भी जो आपका ट्रांसपोर्टर बनाता है, इसलिए दोस्तों इन हिसाब से हमको नो कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देन दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए दोस्तों सेल्स की एंट्री कैसे बनाते हैं इसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम स्केप से बैक करते हैं, फिर से अकाउंट इन्फो पे आते हैं, लेजर पे आते हैं और क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम सेल जो कर रहे हैं अदर स्टेट सेल कर रहे हैं तो यहाँ IGST का हेड बनाएंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे 5% दिखा दें, जो हमने गुड्स को बाय किया जो हमने आइटम को परचेस किया है वो खरीदा तो हमने स्टेट के अंदर है, बाय तो हमने स्टेट के अंदर से किया लेकिन जो चीज़ सप्लाई करेंगे वो स्टेट के बाहर करेंगे। एक लिए क्या करें इसको भी ड्यूटी टैक्स में रखेंगे चूंकि जो टैक्स कलेक्ट होगा वो हमारा नहीं होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से ले लेंगे GST ले लेंगे और यहाँ पर इंटेग्रेटेड टैक्स को चूज कर लेंगे 5% ऑफ कैलकुलेशन में आप इनपुट कर लेंगे इस तरीके दोस्तों आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो हमारा कस्टमर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो डेली का है ना, इसका नाम जो कस्टमर का नाम है कल्पना एंड सन्स है। अब इसका जो ग्रुप रहेगा वो संडी लीडर होगा चूंकि इसको सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर डेली का जो एड्रेस होगा इस पार्टी का उस पार्टी का एड्रेस डाल लेंगे। अब इसकी डिटेल एड्रेस टाइप कर लेंगे दोस्तों, इंडिया है चूंकि डेली इंडिया में पड़ता है। अब स्टेट में क्या चूज करेंगे दोस्तों डेली चूज करेंगे। अब जो वहाँ का पिन कोड उस एरिए का होगा उस एरिए का पिन कोड टाइप कर लेंगे, मैंने वैसे टाइप कर लिया है। अब यहाँ रेगुलर होगा और डेली का जो GST नंबर रहेगा वो GST नंबर है उस पार्टी का ले लेंगे। देर हम क्या करें दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक चीज मैं और दोस्तों लेजर बनाना भूल गया हूँ क्योंकि जब अदर स्टेट हम सप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था जिस तरीके से हमारी परचेज
का लेजर अलग अलग हेड बना सकते हैं, यानी अगर लोकल परचेज है तो आप इंट्रा स्टेट भी लिख सकते हो परचेज, या लोकल परचेज भी लिख सकते हो, या सिर्फ परचेज भी लिख सकते हो। इसी तरह जब सप्लाई अदर स्टेट होगी तो उसका भी हेड अलग दोस्तों कई तरीके से बनता है। अगर हमारा सप्लाई अदर स्टेट है तो उसको इंटर स्टेट सेल से लिखेंगे हम लोग, यानी जो हमारी सप्लाई है वो अदर स्टेट है। ये हम ऐसे भी लेजर बना सकते हैं सेल टू अदर स्टेट, है ना, यह हम लिख सकते हैं दोस्तों। और कुछ भी जो आपके मन में विचार आ रहा हो कि अदर स्टेट के लिए हम ये टाइप कर ले तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं अदर के लिए दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, इंटर स्टेट सेल्स 5%। ये दोस्तों सेल्स के अंडर में रहेगा और इस जीएसटी एप्लीकेबल में यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, यस कर देना दोस्तों। अब हमारा जो क्या है साड़ी प्रोडक्ट, हमारा डिस्क्रिप्शन में साड़ी डाल देंगे, जो एचएसएन नंबर रहेगा यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। अब एक चीज़ का दोस्तों आपको यहाँ पर खास ध्यान देना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से ये हम सेल टैक्सेबल नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारी सप्लाई लोकल नहीं है या हमारी सप्लाई यहाँ पर अदर स्टेट है, इसलिए हम क्या यहाँ चूज करेंगे इंटर स्टेट सेल से टैक्सेबल लेंगे यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखने का ये बहुत खास चीज़ है, नहीं तो हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा जब एंट्री बनाएंगे तो। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को 5% चूज कर लेंगे, देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए दोस्तों अब इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं जीएसटी में। अब इस दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, एफएट को प्रेस करेंगे और जो भी आपका इनवाइस नंबर होगा सेल नंबर, मान लीजिए कि मैं पहली सेल कर रहा हूँ इनको तो सेल ले लीजिएगा, किस डेट में सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 10 अप्रैल में मैं सेल कर रहा हूँ, 10 अप्रैल यह चूज कर लीजिएगा। अभी पार्टी अकाउंट नेम स्पेस बार को प्रेस करके आप कस्टमर अपना सबको ले लीजिए, चूंकि इसको हम सप्लाई कर रहे हैं इसका। अगर आप जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, लेकिन मैं जब और आगे इनवाइसिस पर वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। इस तरीके से हमारा जीएसटी डिटेल भी यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ सेल्स लेजर में क्या चूज करेंगे, इंटर स्टेट सेल, चूंकि हमारे जो सेल है वो अदर स्टेट है। अब यहाँ पर जो साड़ी आप सेल करेंगे उस साड़ी को ले लेंगे, जितनी भी क्वांटिटी हम सेल करेंगे उस क्वांटिटी को ले लेते हैं, क्या रेट है वो रेट को ले लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम जो भी आइटम यहाँ लेना चाहें, जिस मतलब कस्टमर अल्पना एंड सन्स को जो भी हम आइटम सेल करेंगे वो सारे आइटम को चूज करने के बाद अब यहाँ पर स्पेस बार को दबाइए, इसके बाद आई जी एस टी को यहाँ पर चूज कर लीजिए। आप देखेंगे कि आई जी एस टी का कैलकुलेशन हो गया है, यहाँ पर 10,000 आ रहा है, क्योंकि 2 लाख पर 5% के हिसाब से 210,000 आएगा। इस तरीके से जो अल्पना एंड सन्स को हम इनवाइज इशू करेंगे वो 2,10,000 का करेंगे, अन्यथा तो उसको क्या करेंगे नो कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ईवे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड। दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो हम जो इनवाइस बनाते हैं वो 50,000 से जब ऊपर की इनवाइस बनाएंगे तो हमें एक ईवे बिल जनरेट करना होता है। तो हम टैली से भी जनरेट कर सकते हैं या तो हम जीएसटी की जो ईवे बिल जो साइट होती है वेबसाइट होती है हम वहाँ से भी जनरेट कर लेते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो ईवे बिल की वेबसाइट होती है वहीं से लोग जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वार्निंग कोई मतलब नहीं रखता है, इसको हम क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों हम देख सकते हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं कैसे टैली में जीएसटी की सेटिंग करने के बाद हम इसको कैसे इसकी एंट्री बनाते हैं, हम स्टेप बाय हम इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों।